यूजर्स के लिए है जिनका ऑफिस का काम जो है मोबाइल पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, या कोई भी चीज़ है जो आर्टिकल्स जिनको ईमेल्स एंड अदर थिंग्स जो है उनको रीडिंग के लिए ज़रूरी है। तो मैं जो हूँ वो शुरू से नोट का जो है वो यूज़र रहा हूँ, सैमसंग नोट का, और लास्ट मेरे पास नोट 22 था। तो 23 के ऊपर जाने के बजाय मैंने सैमसंग जी फोल्ड 5 का इंतखाब किया। उसकी वजह यह है कि जी जनाब, एक तो इसकी बैटरी जो 4400 mAh की है, जो बज़ाहिर 5000 से तो बहुत कम है, लेकिन इस जी फोल्ड 5 के ऊपर इसकी बैटरी टाइमिंग्स जो हैं वो नोट 22 से ज़्यादा हैं। ये आप यूज़ करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने यूज़ किया, और यकीन करें पहले मैंने इसको महीना पहले जब चेक किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया था कि यार ये ब्रिक टाइप है, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन इस ब्रिक के एक तो फ़ायदा ये है कि जीन्स की पॉकेट में ये स्लाइड हो जाता है, दूसरा ये है कि जो इसका ये ओरिजिनल कवर साथ आता है एस पेन के साथ, तो एस पेन जहाँ पे आपने यूज़ करना हो तो एस पेन भी बड़े मज़े से यूज़ हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो वो लैंडस्केप में करके मुझे बार बार जूम करके आर्टिकल पढ़ना पड़ता था, उससे मेरी जान छूट गई। और ये हाईली रिकमेंडेड है, जिसने इसको एक बार यूज़ कर लिया यकीन कर लें वो उसका फ़ैन हो जाता है। ये मेरा जो है कैंडिड ओपिनियन है। जो पावर यूज़र्स हैं, जो नोट के यूज़र्स हैं, वो जी फोल्ड 5 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।